नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ गुरु गोविंद सिंह अस्पताल के कैंपस में और यहाँ पे एक समझिए तो एक रेस्टोरेंट के खाने का सहूलत के लिए दीदी की रसोई की उद्घाटन किया गया है। 10 तारीख को डीएम जो यहाँ के डीएम है, पटना के डीएम है चंद्रशेखर सिंह ने इसका उद्घाटन किया है और बहुत ही सुजीत और सजाया गया था। ऐसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे दीदी की रसोई इसका नाम रखा गया। यहाँ पे मरीजों के लिए गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में जितने मरीज आएंगे उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे 150 रुपये में 4 टाइम का खाना उन लोगों को दिया जाता है। नाश्ता है, दिन का खाना है, फिर शाम में भी है और रात का भी खाना है। 150 रुपये में दिया जाता है, जैसा कि यहाँ की दीदी ने बताई। दीदी, आपका नाम क्या? मेरा नाम रिंकी कुमारी है, मैं जीविका से हूँ और दीदी की रसोई में काम करने के लिए मैं बहुत सक्षम थी। जीविका में जुड़कर सोचे कि बड़े सीएम पद पे काम करती थी, आगे सोचकर सोचे कि आगे और कोई अपना लक्ष्य पाए, इसलिए दीदी की रसोई में हम काम करने के लिए अपने क्षेत्र इच्छुक हुए। और यहाँ सबसे पहले हम लोग साफ सफाई पे ध्यान देते हैं और घर की तरफ भोजन बनाते हैं और सोचते मरीजों के लिए खाना बनाना है हम लोग को, और जितने शुद्ध और स्वस्थ रहेगा उतने जल्दी पेशेंट अच्छा हो जाएंगे। यहाँ पे मरीजों के लिए है सबसे पहले, उनके लिए भी जो मरीजों के साथ रहते उनके लिए नहीं, मरीजों के लिए ही है। मरीजों के लिए? यस सर। कितना चार्जेस क्या लग रहा है यहाँ पे? 150 रुपये प्लेट, चार टाइम का। कितना? 150 रुपये। क्या क्या चीज आप दे रहे हैं उन लोगों को? सुबह में अंडा, दूध, केला, ब्रेड, एक फल रहेगा। और दोपहर में? और दोपहर में दाल, चावल, सब्जी। और शाम में? और शाम में रोटी, सब्जी। और रात में? रोटी, सब्जी, दाल रहेगा। शाम में चाय, ब्रेड। आपका क्या नाम? मेरा नाम सुमन कुमारी है, मैं पुनाटी पंचायत से आई हूँ और पहले सीएम पद पर काम करती थी। और सीएम पद पर करते करते मेरी सीसी दीदी बोली कि यदि रसोई में आप लोग काम कर सकती हैं, जो जो इनका एड है। आप लोग यहाँ पेशेंट को कितने बजे लंच देते, नाश्ता देते हैं? हम लोग 6 बजे आते हैं तो 7 बजे यहाँ नाश्ता दे देते हैं, यदि नाश्ता दूध, ब्रेड और अंडा। अच्छा। और एक रात में कितने बजे देती हैं? रात में हम लोग 7 बजे। अभी कितने लोगों को यहाँ से खाना जा रहा है हॉस्पिटल में? अभी मेनू डिसाइड नहीं है। अभी यहाँ पे से खाना नहीं जा रहा? कब से जाएगा? 16 तारीख से शुरू होगी। आपका नाम? मेरा नाम पूजा देवी है, मैं पंचायत से आई हूँ। यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? यहाँ पे 7 लोग काम कर रहे हैं। सिर्फ महिलाएं हैं कि पुरुष भी है? 7 महिलाएं और एक पुरुष। आप लोग सब एक ही जगह से आए कि अलग अलग है? Thank you.